रुद्रांशी के कपड़े सुखाने लाने लग गई है। यो अल्लाह घुरी गए छो ओ खाने मल्ला में ही जतो उन्याल उन्याल दाई जी का उन्याल। डेढ़ घंटा हो गया इसको पकाते पकाते, देखो अभी भी अच्छे से नहीं पका है। तनुज बोल रहे हैं कि तेरे काटने में मेरे को उदासी लग रही है तो मैं काटता हूँ देखी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। दिन की शुरुआत के साथ साथ हम लग गए हैं फिर से अपने कामों में। सो देखते रहो पहाड़ की खूबसूरत लाइफ स्टाइल। जो नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना, मेरे साथ बने रहना और वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, थैंक यू। सुबह सुबह का टाइम, धूप आ चुकी है, हम लोग लग गए अपने कामों में। सब आज बिजी हैं और मौसम भी आज साफ है, धूप आ रखी अच्छी खासी। राधा सुखाने लग गई है रुद्रांश के कपड़े, ये देखिए रुद्रांश के कपड़े सुखाने लाने लग गई है। यो अल्लाह घुरी गए छो न, कहाँ चार छे नजर छे तेरी है और पापा लगे रुद्रांश की देखभाली में। क्या कहो बाबू, ये देखो रुद्रांश यहाँ पे बाबू के साथ गप्पे मार रहा है और मम्मी का काम चल रहा है यहाँ पे। हाँ, ये भट्टों को सिलबट्टे में पीस के ये खिला दिया सीधे भागुली को। ऐसी का दीदी ने बया, ये देखो तभी तो दूध देगी जब इसको हम प्रोटीन वाली चीज देंगे। ये पठिया रुद्रांश के हमने कपड़े सुखाने वाली जगह चेंज कर दी क्योंकि वहां पे हो रही है बहुत ज्यादा चींटियां। कल रात भी हमें 3-4 चींटियां मिली कपड़ों में, तो क्या कहो दूर हो जा रहा है, बहुत ही ज्यादा दूर हो जा रहा है राधा के लिए। और अब हमने तार बांध दी यहाँ पे चींटियां भी नहीं रहेंगी। और ये कपड़े गिर भी जा रहे हैं ना उधर खेत में चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा, यहाँ से पता भी चल जाएगा। ये देखो इधर सुखाने के लिए डाल दिए सारे कपड़े और ये तार बांध दिए हमने कल। ये भगुली के खाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, घिंगट से काटने के बाद सूखी घास और हरी घास मिक्स की जाएगी। ये आखिर भगुली के लिए बना ही दिया है घास। हमारे वहाँ भूसा नहीं मिलता है, हम लोग ऐसी भूसा बना देते हैं, गर्मी भूसा बना देते हैं, मतलब हरी घास सूखी घास मिक्स करके इसको खिलाएंगे भगुली को, तभी तो दूध देगी है भाई। अरे कोई राधा एक करण जगह बीत करे तो नया खोनी जो बड़े भैंस को क्या इसका हम हजारा खोनी भी यहाँ तो सब लास्ट में आल तो ऐ कॉल मिला है तो बेबिया खाए दिलाद में मुझे मार दिए सब इधर खाए बागली आते हैं बागली आते खाए तो दिला हटियो नहीं बनने तो क्या काट से थोड़े उल्ले बहने और दूध पियो ने बहु को उका हो दूध पियो ने मतलब फर्स्ट वे तो दस्तिया हालो होता है वो गुरु दूले खवे तो बागुली को जे क्या गुरु गले उ दस्तिया हाल फुटन को समय पड़ गया ठाड़ नूने के हक न मरे के यार रात दिन हक न मरे के दस्ती जो तो दूध पिया दिएल हां ठाड़ नूने तब के बाद कदर खवनी का पर तुम बताओ ना क्या बताओ ना ताकि हम वो भैर ये खास आलल फिर वो कर देनी पे मुखलाई तो ही ना तो हिल हिल कौन मेरे कालगीत कर दे वो बात है। हाँ एक काम करें तो घ्यूगल आ रहे हैं बोर्ड ने वो थोड़ा ले
बोले राधा तू भूत करे तुम उनको क्या नहीं देखिने पे भूत राधा भूत क्या नहीं देखिने पे है गे पा पौ नमून पोर बेवाऊ उल बकार बा देली थी आ ब्यानी वाले सुन में तो राधा पा तोर कारोबार से हो केला हम क्या गाना आ रिया है तो राधा तुम तुम्हारी गिनती जगह बाप तुम्हें बुढ़बाड़ में गिनी गया दब आ भी रहो मैं नहीं जानी बहुत मजा आज भी मैं गाँव ने नहीं जानी मैं बोल गई ओ देखो तो हो यार राधा तक कौन नहीं दिल लब है को राधा को शाबाश तो मेरे पगायार वाट दिन है रत्त वे उड़ वे वाट पगार गाम ना आर जी कावा घर गाम बाप इन्ना एक तरुक जना जी उदिल पर वाट पगुना है तो अब हाँ मैं न करे फिर मत छान गई मैं बेल एक लगड़ लागी लगड़ गेव लागी गुरु के बल्द का लगा गी वहाँ और अब तैयार वाट चार बार आल पाग ना यो दोपहर करी दोपहर करो आपको नहीं बे मैं पका यार बार जन क्या है क्या करी ने बे क्या इन क्या आप दिन खाने ला रहे हो ये धन कर भी इन्हें दिया है तो धन खाया को ना और खाने मतलब मैं ही जब उन्याल होना है बैग दिया उन्याल बार बार ना दी घंटा बार कदू बड़ाई बे चारे बे पैटर्न वाला अब अंदाल तक है तो आज बनने वाले हैं हमारे लिए भटके डुबके आज बनाने वाले हैं हम भटके डुबके उसके लिए मम्मी ने ये भट सोयाबीन को पीस के रख दिया है भदाई में ये लोहे की कढ़ाई है इसी में सबसे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो इसको बहुत टाइम लगता है पकने में एक दो घंटे लगते हैं लगभग तो इसको पकाएंगे इसमें चावल भी डालेंगे चावल कितने में इसमें थोड़ा सा चावल डालेंगे और ये भट हमने पीस के डाल दिए हैं इसमें वाह क्या टेस्टी बनेगा यही है भट के डुबके सिलबट्टे में पीसा इसमें डाला इसको रखेंगे आग में फिर पकाएंगे आपको दिखाएंगे अभी ये रख दिया हमने डुबके कढ़ाई में और आग जला दी है अब इनको मस्त तरीके से पकने देते हैं कम से कम दो घंटे चाहिए इनको पकाने में इसमें हमने डाल रखे हैं भट पीस के और चावल उबाल आ जाता है तो पकने देते हैं देखो अरे ये हमारे जो भी हमने चोट के इस साल की खेती सुखाने शुरू कर दी है ये है राई इस साल की है ये है धनिया ये भी इसी साल का है और ये है सरसों सब सुखाने के लिए डाल दिए हैं और ये धनिया फिर से उखाड़ के फिर से इसको तैयार किया जा रहा है सुखाने के लिए इसके डेढ़ घंटा हो गया इसको पकाते पकाते देखो अभी भी अच्छे से नहीं पका है अब जाके पकने वाला है थोड़ी देर में आधा घंटा और चाहिए दो घंटे पूरे चाहिए इसको पकने के लिए डुबकों के साथ हमने बना दिए झोली अब ले जाते हैं झोली भी उबल गई है अच्छे से और डुबके मम्मी ले गई उधर हम चले गए हैं जो काटने के लिए सरसों की खेती हमने तो उसके दाने निकाल के अंदर रख दिए हैं जिसको आज सुखा रहे थे अब बारी है गेहूं जौ और दालों की तो सबसे पहले हमारे जौ हो गए हैं तैयार उसके लिए जा रहे हैं नीचे वाले खेत में दादा दराती को तीखा करने लग गई है ऐसे तीखा किया जाता है हमारे वहाँ पत्थर होता है हुद्योनी इसको हुद्योनी कहते हैं इसको ये है जौ ये अभी तैयार नहीं हो रखे इधर की साइड हो रखे और ये है गेहूँ इस खेत से आधे हैं गेहूँ इधर की साइड है जौ
काट दिया है, इसको ले जाते हैं अब घर को। ये और मैं ले जा रहा हूँ केले के पत्ते। हमारे दो केले, इसमें केले भी आ गए हैं, उसमें भी आने वाले हैं, तो इसके पत्ते काटे ना हमने, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोड हो जा रहा था। ये 2-3 महीने के बाद तैयार होंगे, उसके बाद इनको पकाने के लिए डालेंगे। सो चलते हैं घर को। ये अब इसको काट के अलग रखेंगे बालों को। और तलिया गया नौ को भैंस खा ले हैं, वो भैंस के लिए काम आ जाएगा। ये जो है जौ,